हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट किट कैन डिजिटल लर्निंग। आई एम योर कंप्यूटर टीचर। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग यू लेक्चर नंबर 1 एंड टॉपिक इज फॉर्मूलाज इन एक्सेल 2013 फ्रॉम योर बुक कीबोर्ड ऑफ कंप्यूटर क्लास 7 पब्लिश बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। टुडे इज ट्यूजडे 6 June 2023। बिफोर स्टार्ट अवर टुडे टॉपिक आई वुड लाइक एडवाइस यू फ्यू टिप्स फॉर इफेक्टिव लर्निंग एंड टेक मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम किटकैन डिजिटल लर्निंग। लाइक एंड सब्सक्राइब योर स्कूल चैनल सो डोंट मिसिंग एनी वीडियो। केयरफुली लिसन एंड वॉच वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। नंबर 3, फाइंड आउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द वीडियो। नंबर 4, मे वॉच मल्टीपल टाइम्स वीडियो टिल फाइंड आउट द आंसर। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक फॉर्मूलाज इन एक्सेल 2013। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज पढ़ेंगे एक्सेल के। अब सबसे पहले क्या लिखा है, एक्सेल फॉर्मूला साइन, मतलब जब भी हम कोई भी फार्मूला लगाएंगे एक्सेल में तो हम सबसे पहले क्या साइन देंगे, इक्वल के। अब सेल रेफरेंस क्या होता है, जैसे कि आपका ये A1, B2, C4, E5 से लेकर H26 तक। अब जो ये हैं हमारे कॉलम्स और रोज जो हैं, हम जितने भी उसको सेलेक्ट करेंगे वो हमारे क्या होते हैं, सेल रेफरेंस। अब फंक्शंस क्या होते हैं, सम का फंक्शन हो गया हमारा, एवरेज का हो गया, मिनिमम का, मैक्सिमम और काउंट का। सम क्या करता है हमारा जो है, मतलब प्लस वगैरह आपको तो उससे अंदाज़ा हो रहा है। ये सम होते हैं। फंक्शंस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, और ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो हम लोग खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लस, इक्वल और मल्टीप्लाई, और जो है डिवाइड, ग्रेटर दैन, एक्सपोनेंट और जो है लेस देन। ये क्या, यूज़र ख़ुद बनाते हैं ऑपरेटर्स। और जो है फंक्शंस बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब, फार्मूला के अंदर ही जो होते हैं फंक्शंस, उसको हम जो है फार्मूला की जो एक्सेल के फार्मूलाज होते हैं उनको फंक्शंस भी कहते हैं। हमारा टॉपिक का नाम है यूजिंग फार्मूला। अब देखिए, हमने यहाँ पर जो है अपना फार्मूला और फंक्शन दोनों यूज़ किए हैं। सबसे पहले हमने फंक्शन यूज़ किया है सम का, और ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद हमने ये फार्मूला यूज़ किया है, हम फार्मूला क्या ख़ुद बनाते हैं। हम पहले इक्वल के साइन लगाएंगे, उसके बाद दोनों नंबर को हमने सेलेक्ट करना है। पहले हमने इक्वल लगाया, उसके बाद फिर हमने जो है पहला नंबर सेलेक्ट किया, उसके बाद प्लस का साइन लगा के उसके बाद हमने दूसरा नंबर अपना जो है सेलेक्ट किया, और उसके बाद फिर आंसर वो। अब हमारा है टॉपिक टेक्स्ट फॉर्मूलाज। अब हम जो है यहाँ पर टेक्स्ट को मर्ज करना सीखेंगे। सबसे पहले हमने कोई भी एक वर्ड लिखा, फर्स्ट वाली जो है हम कॉलम में लिखेंगे, सेकेंड में जो है हम कॉलम में दूसरा वर्ड लिखेंगे, क्योंकि हमें इन दोनों को मर्ज करना है। हमने दूसरा वर्ड भी लिख दिया, जैसे हमने रिस्पेक्ट एल्डर्स। उसके बाद हमने इक्वल दबाया, इक्वल दबाने के बाद हमने जो है जो हमने फर्स्ट वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमने एंड की साइन लगानी है, जो हमारा एंड वाला वर्ड होता है, जैसे कि ये। उसके बाद हमने जो है अपने इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, इन्वर्टेड कॉमास, फिर गैप देके फिर दूसरा इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, उसके बाद फिर एक और दफ़ा एंड देंगे, उसके बाद एक दफ़ा एंड देने के बाद फिर सेकंड जो हमारा कॉलम है उसको सेलेक्ट करेंगे, देन हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमें तीनों गर्ल्स का ग्रेड मालूम करना है। हमने इस पर अपना फार्मूला लिखा, आगे एक का, उसके बाद हमने ड्रैग किया, फिर तीनों का वही फार्मूला लग गया। अब हम पढ़ेंगे ऑटो सम फीचर। अब इसके अंदर एक्सेल के अंदर ऑटो सम फीचर कैसे है वो हम जो है अब आगे पढ़ेंगे। ऑटो सम का मतलब ये होता है कि जो हमारा सम वाला फंक्शन है वो किस तरह खुद ब खुद आ सकता है, हम टाइप करे बिना वो आ जाए, तो हम वो पढ़ेंगे आज। हम यहाँ पर जो है सबसे पहले फ्रॉम लास्ट टैब में जाएंगे, उसके बाद यहाँ लिखा है ऑटो सम। यहाँ पर जब हम ड्रॉप डाउन करेंगे एक लिस्ट आएगी हमारे पास, उसके अंदर जो है काफ़ी सारे जो है हमारे पास जो है बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे कि ऑटो सम का आ जाएगा, फॉर्मूला मैक्सिमम मिनिमम का आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दफ़ा हमने ऑटो सम दबाया था, हमारे पास वो खुद ब खुद आ गया। लेकिन जो है मैक्सिमम का हम ड्रॉप डाउन लिस्ट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम जब आएगा, ये मैक्सिमम का है। उसके बाद जो है हमारे पास, हमने इसको मैक्सिमम करने के बाद आ गया, हमने उसके बाद
साड़ी सिलेक्ट करने कॉमन लगा के उसका आंसर आएगा। वापस हम जाएंगे और फिर सब में उसका हम मिनिमम करेंगे, उसके बाद उसमें भी इसी तरह करेंगे कॉलम्स हैं वो सिलेक्ट करेंगे कॉमा लगा के, उसके बाद देना हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा मिनिमम का जो काउंट नंबर वो भी ऑटो सम में ही ड्रॉप डाउन लिस्ट करके काउंट नंबर है उस पर वो भी फॉर्मूला लगाया, उसका सिलेक्ट किए कॉलम्स कॉमा लगाया एक सिलेक्ट किया दूसरा कॉमा लगाया दूसरा सिलेक्ट किया। अब है हमारा टॉपिक GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब जो है हम इसके ये जो है उसके मैथ के अंदर हम जो है ये GCD सीखते हैं। आज हम जो है एक्सेल के अंदर भी कंप्यूटर पे सीखे हैं किस तरह एक्सेल पे हमारा GCD निकल सकता है। अब यहाँ पर हमने दो नंबर्स लिखे हैं और इसके अंदर फॉर्मूलाज में है मैथ एंड ट्रिक, उसके अंदर GCD का एक जो हमारे पर ऑप्शन है तो सिलेक्ट करेंगे हमारे पर डायलॉग बॉक्स आएगा। फर्स्ट नंबर जो लिखा हुआ है जिस कॉलम में हमने वो लिखना है A2 फिर उसके बाद A3 जो दूसरे नंबर दूसरे कॉलम में, फिर उसके बाद हमने ओके दबाना है। ये दोनों लिखने के बाद कॉलम के ओके दबाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम LCM की बात करेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, आपने मैथ में किया हुआ होगा LCM, आज हम जो है एक्सेल में करके देखते हैं। LCM में भी वही होगा जैसे हमने GCD में किया था, जिस ऑप्शन में गया था उसी में ड्रॉप डाउन में LCM में भी हमने दोनों का कॉलम नंबर दिया फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लास्ट टॉपिक की बात करेंगे क्रिएटिंग अ फार्मूला यूजिंग इंसर्ट फंक्शन। अब इसके अंदर क्या हम अपना जो फार्मूला जो है इंसर्ट फंक्शन के ज़रिए जो है वो भी डाल सकते हैं अपने एक्सेल में। अब हमारे पास यहाँ पर फार्मूला टैब उसके अंदर इंसर्ट फंक्शन का टूल है, उसके अंदर हम जब क्लिक करेंगे इसमें सेलेक्ट जो करना है लेकिन हम यहाँ LCM सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉलम जो है नंबर देंगे A2 देंगे और A3 देंगे ओके करेंगे हमारे पास वही आंसर आ जाएगा। होप यू एंजॉय एंड लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपिक टुडे वी हैव प्रेजेंटेड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ KitKat डिजिटल लर्निंग। डोंट फॉरगेट टू फाइंड आउट आंसर ऑफ द क्वेश्चन एंड अप्लाई आंसर ऑफ द क्वेश्चन विद इन 24 आवर्स to maintain your summer vacation learning project marks as total 10 marks in your final term exam based on reply all questions. Hope to see in next topic and learn more new concepts. Thank you and bye bye.